गाइस इस वीडियो हम बात करने वाले भाई रोमन रेंज के बारे में। वैसे हमारे वीडियो में रोमन रेंज के बारे में ही बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे बात करने वाले भाई रोमन रेंज के नेक्स्ट ओपोनेंट या फिर कह सकते हो नेक्स्ट चैलेंजर को लेके, जो कि आपको देखने को मिल सकते भाई मनी इन द बैंक में और समर स्लैम में। तो भाई कौन है वो चैलेंजर्स, वो आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ बात करने वाले भाई जजमेंट डे के फोर्थ मेंबर के बारे में, और बात करने वाले हम ड्रू मैकइंटायर के बारे में, क्योंकि ड्रू मैकइंटायर ने भाई कंपेयर किया है रोमन रेंज को मार्वल के थैनोस से। तो भाई क्या कहा है उन्होंने वो आपको बताने वाला हूँ। और भी अपडेट्स है, सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देख लो बिना स्किप किए। अगर आपने स्किप किया तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। अगर आप मेरे चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देता हूँ, शेयर कर देना, क्योंकि चैनल पर आपको WWE की न्यूज अपडेट देखने को मिलती रहती है। चलिए आज के मार्केट को स्टार्ट करते हैं। ऐसे बातों को शुरू कर लेंगे भाई जजमेंट डे के फोर्थ मेंबर के साथ। तो भाई तीन मेंबर ऐड हो चुके हैं और फोर्थ मेंबर पॉसिबली होने वाले भाई फिन बैलर। इसके बारे में ना ब्रैड शेपर्ड बात करते नजर आते हैं। ब्रैड शेपर्ड कहते हैं कि यहाँ पे भाई क्रिएटिव आइडिया ना, मतलब जो क्रिएटिव टीम है उसने एक आइडिया पिच किया है कि फिन बैलर जो है ना टर्न कर जाएंगे एज स्टाइल पर हील टर्न कर जाएंगे और फिर जो एज की स्टेबल जो है जजमेंट डे उसको ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे। तो वैसे आपके हिसाब से भाई किसको बनना चाहिए फोर्थ मेंबर जजमेंट डे का, फिन बैलर को या फिर किसी और को या फिर टोमासो चेंपा को। ऐसे बात करते भाई केविन ओवेंस के बारे, तो भाई केविन ओवेंस ना ट्रिपल एच के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि जब मैं पहली बार मिला था ट्रिपल एच से तो मैंने देखा भाई ये बंदा जो है ना इंडस्ट्री को ग्रो करने की सोच रहा है और यहाँ पे जो जितने भी लोग आ रहे हैं उनको भी चांस दिए जा रहे, तो ये काफी अच्छी बात लगी उनको ट्रिपल एच की। और कहते भाई जितना मेरे लिए ट्रिपल एच ने किया होता और दुनिया में कोई नहीं कर सकता, और अगर ट्रिपल एच मेरे लिए कुछ नहीं करते तो आज मैं यहाँ पे भी नहीं होता। और कहते मैं तो मेरी बात तो छोड़ो, अगर ट्रिपल एच नहीं करते ना कुछ भी तो यहाँ बहुत सारे लोग जो यहाँ पे नहीं होते, जैसे रोमन हो गए, सेथ रॉलिंस हो गए, ये सब जो है ना भाई ट्रिपल एच के बंदे, जितने भी बड़े बड़े सुपरस्टार आप देख रहे हो ना भाई अपनी कंपनी में, रॉयस मेडो में टॉप सुपरस्टार हो गए, हर कोई भले बैकी लिंच हो चाहे रोमन हो सेथ रॉलिंस हो, वो सब भाई ट्रिपल एच के ट्रेन किए बंदे, अगर ट्रिपल एच नहीं होते तो यहाँ पे इनमें से कोई भी नहीं होता। आज ऐसे बात करें तो भाई ट्रेस स्टार्टर्स के बारे में, तो भाई ट्रेस स्टार्टर जो है ना सासा बैंक को मैच को लेकर बात करती है और कहती है देखो सासा बैंक शायद तुम्हें पता नहीं होगा लेकिन भाई मेरे पास भी विंस मैकमैन का नंबर है, क्योंकि तुम इकलौते नहीं हो भाई जिसके पास विंस का नंबर होगा। तो अगर भाई तुम्हें मैच चाहिए, अगर तुम इस मैच को पॉसिबल करना चाहती हो तो या तो देख लो भाई मेरे को फोन कर लो, मैं विंस मैकमैन से बात कर लूंगी, या फिर भाई तुम खुद ही बात करो। तो भाई यहाँ पे जो ट्रेस स्टार्टर्स है ना वो बिल्कुल तैयार है सासा बैंक के मैच के लिए। अब देखना ये है कि भाई ये ड्रीम मैच हमें कब तक देखने में मिलता है, लेकिन अगर समर स्लैम के आसपास देखने को मिलता है तो काफी अच्छी बात होगी। भाई अगर बात करें तो नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ी भाई ड्रू मैकइंटायर से, मैकइंटायर कहते हैं भाई देखो मेरा जिंदगी में एक ही गोल है, मुझे भाई रोमन रेंस का मैच चाहिए, रोमन रेंस को हराना है और रोमन रेंस के दोनों टाइटल ले लेनी। अब ये मैच जो मुझे डाउन द लाइन चाहिए, भले आज दो चाहे कल दो चाहे परसों दो, लेकिन ये मैच मुझे चाहिए और इस मैच के लिए भाई मुझे जो भी करना पड़ेगा वो मैं करने वाला हूँ। मैकइंटायर कहते भाई रोमन रेंस जो वो थैनोस बन गया मार्वल मूवीज का, कहते भाई उसे मैच लेना भाई काफी ज्यादा मुश्किल है, वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, उसे कुछ नहीं कर सकते अपन, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। मैच लेना तो भाई रोमन रेंस से काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन भाई मैकइंटायर कहते भाई सबसे पहले जो मुझे मैच मिलना चाहिए, क्योंकि मैं भाई फेस वन में मैच लेने के लिए मैं भाई सबसे ऊपर यहाँ पे स्टैंड करता हूँ, तो भाई मेरे को मैच ही चाहिए। कैसे बात करते भाई सैमी ज़ेन के बारे में, तो भाई सैमी ज़ेन बताते हैं कि भाई पिछले कुछ सालों में जो मेरा स्टॉक है भाई काफी ज्यादा हाई जा चुका है, ट्रेमेंडसली हाई गया भाई विंस मैकमैन की नज़र में, और उसी वजह से जो विंस मैकमैन मेरी वैल्यू करता है आजकल और भाई मुझे अप्रिशिएट भी करता है। जब मेरा भाई ब्रॉक लेसनर के साथ जो टीवी टाइम चला था तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, फालतू काम कर रहा हूँ, यहाँ पे भाई सच में मैं कुछ कर रहा था, कुछ रोल प्ले कर रहा था। और उसी चीज़ के बाद भाई विंस मैकमैन जो मीटिंग में बात करते कि भाई सैमी ज़ेन ने जो काफी ज्यादा एंजॉय करवाया, काफी ज्यादा अच्छा काम किया, यहाँ पे भी जो सैमी ज़ेन है ना वो इस बात को काफी ज्यादा बड़ी अचीवमेंट समझते हैं कि भाई विंस मैकमैन ने मेरे बारे में बात की, मेरी तारीफ की और उन्हें मेरा काम पसंद आया, और ये चीज जो है ना काफी ज्यादा थ्रिल करती है सैमी ज़ेन को। भाई क्या थॉट्स आप बता सकते हैं। ऐसे बात करते भाई एनएक्सटी इन योर हाउस पे पर व्यू के बारे में, तो मैंने आपको बताया था भाई ये जो है 6 जून को होने वाला है और इसकी जो है 4 जून को होने वाला है, और इसके लिए भाई एनएक्सटी ने दो मैचेस भी ऑफिशियल कर दिए। तो कैसे पहला मैच होने वाला भाई नॉर्थ अमेरिकन टाइटल के लिए, ये होने वाला भाई कार्मेलो और जेम्स के बीच में, दूसरा मैच होने वाला भाई टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, और ये मैच होने वाला भाई कैट ब्रदर्स और प्रीटी डेडली के बीच में। तो भाई ये कुछ मैचेस है और ये पेपर काफी शानदार होने वाला है, तो मैं भी देखूंगा, तो आप भी देख लेना। वैसे बात करते भाई रोंडा राउजी के बारे में, तो भाई रोंडा राउजी कहती है विदाउट अ रोबस्ट वुमन डिवीजन आई वुड बी चैंपियन ऑफ नथिंग। तो भाई रोंडा राउजी कहना चाहती है कि भाई स्मैकडाउन में जो है काफी ज्यादा अच्छा जो स्ट्रॉन्ग है ना वुमन डिवीजन है और इसलिए मैं उसकी चैंपियन हूं। कहती है कि अगर यहाँ पे जो स्मैकडाउन का वुमन डिवीजन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, हेल्दी नहीं होता, तो भाई मेरा यहाँ पे चैंपियन रहने का कोई मतलब ही नहीं होता। वैसे बात करें भाई रैनी यंग के बारे में, तो भाई रैनी यंग को आप सब जानते होंगे, ये भाई डीन एम्ब्रोस की वाइफ है और यहाँ पे भाई 2020 तक WWE में काम करते थे कमेंट्री का और बैक स्टेज इंटरव्यू लेने का, लेकिन भाई फिर इन्होंने जो कंपनी छोड़ दी लेकिन अभी रिटर्न करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये कहती है भाई जो भी कंपनी चाहे AEW चाहे WWE हो, जो भी मुझे पैसे देगी मैं जो रिटर्न करने के लिए ओपन हूँ, बस आप मुझे कॉल करिए मैं रिटर्न कर लूँगा। ऐसे बात करते नेक्स्ट हमारे अपडेट के बारे में, जो कि जुड़े ट्राइबल चीफ द हेड ऑफ द टेबल करंट अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन एक्नॉलेज मी रोमन रेंस के ओपोनेंट को लेकर भाई कौन होने वाला उनका चैलेंज है मनी इन द बैंक में और समर स्लैम में। यहाँ पे जो इसके बारे में भाई ब्रैड शेपर्ड बात करते हैं और ब्रैड शेपर्ड कहते हैं उन्होंने जो WWE के एक पैट्रॉन से बात की है और उन्हें यहाँ से ये पता चला है कि WWE ने जो रोमन रेंस को ना मनी इन द बैंक और समर स्लैम के लिए शेड्यूल कर रखा है, वहाँ पे वो अपनी टाइटल डिफेंड करने वाली है 100% कन्फर्म है। और कहते हैं कि WWE का जो प्लान है वो भाई आर के ब्रो को लड़वाना है रोमन रेंस से, के ब्रो को लड़वाना है, इसका मतलब ये नहीं है कि 1-on-2 हैंडीकैप मैच में होने वाला है, यहाँ पे रैंडी ऑर्टन या फिर रिडल इन दोनों में से कोई एक जो है नेक्स्ट चैलेंज होने वाला है, या तो मनी इन द बैंक में चैलेंज करने वाला है या फिर करने वाला है समर स्लैम में। लेकिन भाई करेगा इन दोनों में से एक ही बंदा, दोनों फेस नहीं करने वाले, एक ही बंदा चैलेंज करने वाला है।
वाला है रोमन रेंस को उस चैंपियनशिप के लिए। यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा चांसेस आप सबको पता ही किसके भाई वाइपर विलेंडी ओटंगे। तो मुझे तो लग रहा है मनी इन द बैंक 2022 के भाई मेन इवेंट के लिए सेट है रोमन रेंस वर्सेस द वाइपर विलेंडी ओटन फॉर द अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप, क्योंकि जो रीडल है वो पूरा अरीना सोल्ड आउट नहीं कर सकता, अरीना नहीं स्टेडियम है, तो पूरा स्टेडियम भाई रीडल सोल्ड आउट नहीं कर सकता, रोमन और रेंडी करने वाले, तो इसलिए रेंडी ओटन ही है नेक्स्ट चैलेंज। और रही बात समर स्लैम की, वहाँ पर भी क्या होने वाला है, तो वो तो भाई समर स्लैम आएगा तब पता चली जाएगा। फिलहाल मान लो आज के ब्रोज द नेक्स्ट चैलेंज फॉर रोमन रेंस भाई के साथ वीडियो को इन्फॉर्मेशन थी, मैं मिलता हूँ।